मेरे आत्मजनों, कल एक तूफान गुजर गया पर मुझे पुरानी बात याद आई। जब तूफान आता है तो वो पेड़ जो अकड़ कर तन के खड़ा रहता है वो जड़ से उखड़ जाता है, जमीन पर गिर जाता है। लेकिन एक छोटा सा तिनका तूफान आने पर छुप जाता है और तूफान के चले जाने के बाद वापस खड़ा हो जाता है। You got the point, right? आज की दो बहुत मजेदार कहानियां हैं। एक बुजुर्ग महिला आस्था चैनल में एक प्रवचन सुन रही थी और विषय था योर फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, उसने सोचा मेरे तो घर के बाहर सामने माउंटेन है, आई मूव द माउंटेन। फिर उसने जाकर खिड़की खोली, अरे माउंटेन तो वही का वही था। वो कहंदिया मैनू पहले ही पता सी, यानी मुझे पहले ही पता था, मैनू पहले ही पता सी। वाह वाह, वेयर इज द फेथ। भगवान राम 14 साल बाद अयोध्या वापस जा रहे थे। रास्ते में चेन्नई के एक होटल में ठहरे, साथ वाले कमरे में हनुमान जी थे। तो भगवान राम अचानक समुद्र के किनारे दिखाई दिए। किनको? हनुमान जी को। वो अपनी खिड़की खोलकर खड़े थे, करीब आधी रात का वक्त था और राम जी समंदर में बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे। तो हनुमान ने चल के नहीं, दौड़ के नहीं, उड़ के गए राम जी के पास पहुंचे और पूछने लगे, भगवान आप ये क्या कर रहे हो? भगवान राम ने कहा, मैं बहुत सोच में हूं, परेशान हूं, कंफ्यूज्ड हूं। तुम मेरा नाम लेके ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं पानी में फेंकते हो, पत्थर तैरने लगते हैं, और मैं जब अपना नाम लेके पत्थर पानी में फेंकता हूं तो डूब जाते हैं। हनुमान मुस्कुराए, कह लगे, भगवान वी बिलीव इन यू, तो आप सबसे मुझे यही कहना है, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू। धन्यवाद, आभार, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल।